राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा का भी बयान इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज दौरे पर सवाल उठाए। सीएम हेमंता ने राहुल गांधी पर खुफिया एजेंसियों की निगरानी में होने के उनके दावे को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज स्पीच के खिलाफ सीएम हेमंता ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ निशाना साधने की आड़ में विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम हेमंत ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई तथ्य है ही नहीं। उन्होंने ट्वीट किया, पहले विदेशी एजेंट हमें निशाना बनाते हैं, फिर हमारे अपने विदेशी जमीन पर हम पर निशाना साधते हैं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी का वक्तव्य और कुछ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की आड़ में विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने की गलत कोशिश है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा था कि वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। इसके जवाब में हेमंत बिश्वा शर्मा ने ट्वीट किया, लिखा, तथ्य वो 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा में मोदी सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सुरक्षा के बीच बिना किसी अप्रिय घटना के चले। क्या हमें उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि बीजेपी नेताओं के नेतृत्व वाली यात्राओं को कांग्रेस की सत्ता में कैसे नुकसान पहुंचाया गया? राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके फोन में पेगासस था और एक अधिकारी ने उन्हें इसे लेकर सतर्क किया, पर हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कांग्रेस सांसद ने अपना फोन जांच के लिए नहीं सौंपा। हेमंत बिश्वा शर्मा ने ट्वीट किया, गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पेगासस का कोई साक्ष्य नहीं है। राहुल गांधी द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उदाहरण देकर चीन की तारीफ करने पर असम के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, तथ्य BRI आज कई देशों के ऋण संकट के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो भाषण दिया है उसके बाद से वो लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। भले ही राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाकर देश के खिलाफ कुछ ना बोला हो, लेकिन मोदी सरकार की आलोचनाओं और पेगासस जैसे मुद्दों को लेकर एक बार फिर से वो घिर गए हैं। आपको बता दें, ये कोई नया मामला नहीं जो विदेश में जाकर राहुल गांधी ने कुछ इस तरीके का बयान दिया हो। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।